हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी टूर चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आईओ पैकेज का एक क्लास है, पाइप्ड इनपुट एंड पाइप्ड आउटपुट स्ट्रिंग क्लास, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले थ्योरी क्लास में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर प्रैक्टिकल क्लास में इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम मैं डिस्कस करूँगा। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अंत में, अगर आपको लगेगा कि वीडियो शेयर करने लायक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो की ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सीखेंगे, तो आप जानेंगे कि पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम एंड पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस क्या होती है जावा में, क्या यूज़ है इसका, क्यों ये स्ट्रीम क्लासेस हम लोग यूज़ करते हैं जावा में और कैसे यूज़ करेंगे फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये है वीडियो की ऑब्जेक्टिव, यानी पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो ये सारी बातें आपको आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाइप्ड इनपुट और पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस क्या होती है। तो इट प्रोवाइड्स स्ट्रीम बफर विच कैन बी कनेक्टेड विथ टू डिफरेंट स्ट्रीम बफर एट द सेम टाइम। अगर आप चाहते हैं कि दो स्ट्रीम को जोड़ें, दोनों को एक साथ जोड़ कर रखें, यानी कोई भी काम अगर एक स्ट्रीम में हो रहा है तो वो काम दूसरे स्ट्रीम में भी हो, तो उस केस में पाइप हम लोग लगाते हैं। पाइप जानते होइएगा कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जोड़ने के लिए पाइप का यूज़ किया जाता है। तो सपोज वी वॉन्ट टू पुट सम डेटा इन टू ए बफर, अगर आप चाहते हैं किसी एक बफर में कुछ डेटा रखा जाए, एंड एट द सेम टाइम वी वॉन्ट टू पुट इट इन टू अनदर स्ट्रीम, और उसी समय हम चाहते हैं कि ये दूसरे स्ट्रीम में भी चला जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पाइप लगाना होगा और दोनों स्ट्रीम को जोड़ना पड़ेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है पाइप का, इसीलिए पाइप इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस बनाई जाती है। अब इसका एक ब्लॉक डायग्राम से आप समझिए। जैसे मान लो कि एक स्ट्रीम है जहाँ पे आप इनपुट कर रहे हो डेटा को और दूसरा स्ट्रीम है जहाँ पे आउटपुट कर रहे हो। ठीक है, तो जब तक इसको इस स्ट्रीम को इस स्ट्रीम से जोड़ोगे नहीं तब तक कैसे क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग पाइप से इसको जोड़ देंगे, डालेंगे यहाँ और निकालेंगे यहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी इनपुट डालेंगे इस स्ट्रीम बफर में और आउटपुट निकालेंगे इस स्ट्रीम बफर से, और ये जो डेटा यहाँ पे हमने इनपुट किया वो पाइप इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास की मदद से इस स्ट्रीम में चला आएगा। तो मान लेते हैं एक थ्रेड ये जो इनपुट करने का काम कर रहा है, दूसरा थ्रेड जो आउटपुट करने का काम कर रहा है, और इस दोनों थ्रेड को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा पाइप स्ट्रीम। ये ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम से आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाती है, इसलिए मैं आपको ब्लॉक डायग्राम से भी समझा देता हूँ। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाइप्ड इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस क्या हैं, उसके यूज़ क्या हैं, कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले राइट ऑपरेशंस, तो यहाँ पे हम लोग थ्रेड का यूज़ करेंगे। थ्रेड्स मैंने अभी बताया नहीं है अपने चैनल पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि थ्रेड्स के लिए हमें इंप्लीमेंट्स करना होता है रनेबल इंटरफेस को, जिसके अंदर एक रन मेथड होता है, उसमें जो भी कोडिंग आप करेंगे वो थ्रेड के अकॉर्डिंग काम करेगा। थ्रेड क्या होता है, कैसे होता है, कब काम करता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जिस समय इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। वहाँ रन आउटपुट देखने से आपको पता चल जाएगा कि थ्रेड का क्या काम है। ऐसे पूरा चैप्टर है थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग का, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। अभी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि पी आउटपुट एक थ्रेड है, ठीक है, जिसके अंदर रन मेथड है, रन मेथड में जो भी काम करेंगे वो वहाँ पे काम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्लास के अंदर हम लोग एक पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम का एक क्लास है, पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम का, उसका एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं पी आउट के नाम से। और पी आउटपुट जो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें एक आर्गुमेंट रिसीव करते हैं पी आउट के नाम से, और जो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे उसको हम लोग अपने इस वेरिएबल में डाल लेते हैं। ये काम कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि रनेबल इंटरफेस में एक रन मेथड होता है, उसको ओवरराइड करना है। ओवरराइड करके इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 65 से 91 तक जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डॉट राइट आई कर रहे हैं, यानी आई को हम लोग पी आउट में क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वहाँ पे उसको डाल रहे हैं। ठीक है, और इसको फिर क्या कर रहे हैं, थ्रेड डॉट स्लिप, यानी 1000 मिलीसेकंड के लिए हम लोग इसको सुला दे रहे हैं, यानी थ्रेड को आप कुछ देर के लिए काम उसका रोक सकते हो। स्लिप मेथड है, जितना सेकंड के लिए आप वहाँ पे दोगे उतने सेकंड के लिए वो अपना काम रोक देगा। इससे ये फायदा होता है कि दूसरे थ्रेड को मौका मिल जाता है काम करने का। ठीक है, ये सारा कोड हमने ट्राई के अंदर लिखा है, और कैच जरूरी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आईओ से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए
आयो एक्सेप्शन एक चेक एक्सेप्शन थ्रो करता है तो उसको ट्राई कैच में हम लोग लेते हैं, ठीक है। और ये फॉर लूप यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पे रन मेथड बंद हो गया और यहाँ पे ये क्लास बंद हो गया। तो ये हो गया राइट ऑपरेशन जो कि पाइप्ड आउटपुट स्ट्रिंग की मदद से हम लोग कर रहे हैं। एक क्लास जो कि एक थ्रेड बना रहे हैं यहाँ पे पी आउटपुट, ये ध्यान रखिएगा। अब रीड ऑपरेशन के लिए क्या करना होगा, तो रीड ऑपरेशन के लिए भी एक थ्रेड बनाना है। तो पी इनपुट एक क्लास बनाया, इंप्लीमेंट्स किया रनेबल इंटरफेस को, इसके अंदर पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम का एक वेरिएबल लिए कंस्ट्रक्टर के ठीक बिल्कुल जैसे राइट ऑपरेशन में किए थे वैसे ही यहाँ पे पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम का भी डाल दिए। तो रीड करने के लिए पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम ले रहे हैं यहाँ, और रन मेथड के अंदर ठीक बिल्कुल वैसे ही 65 to 91 एक लूप चला रहे हैं। और ट्राई के अंदर क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, रीड कर रहे हैं। ये पी इन क्या है, तो पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, उससे रीड कर रहे हैं। और जो भी करेक्टर जो भी इंटीजर में आ रहा है उसको करेक्टर में टाइप कास्ट करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मदद से प्रिंट कर रहे हैं। ये सारा कोड ट्राई के अंदर लिखे हैं, कैच उसका यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काम हो रहा है, लूप को बंद किए, रन को मैं बंद किए और यहाँ पे ये क्लास बंद हो गया। तो ये दोनों टॉपिक समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे थ्रेड यूज़ किए हैं क्योंकि पाइप्ड का जो काम है जब तक आप इसको सुलाओगे नहीं तब तक दूसरा थ्रेड काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जैसे 65 राइट हुआ वो सो गया, थोड़ा देर के लिए स्लिप कर गया, ठीक है। फिर ये रीड करने वाले थ्रेड को मौका मिल जाएगा तो वो रीड कर लेगा 65 को, फिर जैसे ही वो जगेगा तो फिर उसको मौका मिलेगा वो 66। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक तरफ राइट हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, रीड हो रहा है ना। थोड़ा थोड़ा रुक के वो काम करेगा। अब देखो एक क्लास ले रहे हैं पी रन, जिसके अंदर चूंकि अभी हम लोगों ने मेन लिखा नहीं है तो मेन के अंदर यहाँ पे देखो थ्रोज आयो एक्सेप्शन कर दे रहे हैं जिससे कि ट्राई कैच ना लेना पड़े। और पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ये मेन पोर्शन है, देखो कनेक्ट से ही वो पाइप से जुड़ जाएगा। तो दो स्ट्रीम है, एक इनपुट पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम है, एक पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम है, और पी आउट और पी इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, यानी टू स्ट्रीम आर कनेक्टेड। और ये केवल आपको पाइप में ही मिलता है जिसकी मदद से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे देखो पी आउटपुट का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है जिसमें पी आउट यानी कि पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। पी इनपुट क्लास जो इससे पहले बनाए थे वहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं पी इन का। और दो थ्रेड बना रहे हैं, थ्रेड वन जिसमें पी ओ यानी पी आउटपुट का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, थ्रेड टू जिसमें पी इनपुट यानी पी आई पास कर रहे हैं जो पी इनपुट का ऑब्जेक्ट है। दो थ्रेड बन गया टी वन और टी टू, दोनों को स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, मेन को बंद किए क्लास को बंद किए, अब दोनों साथ में काम करेगा। लेकिन हम लोग ने देखा है पी आउटपुट जो हमारा क्लास था वहाँ पे हमने थ्रेड को स्लिप कराया है जिससे कि टी टू को मौका मिल जाएगा, यानी पी इनपुट का काम हो जाएगा, एक बार राइट करेगा आउटपुट और वो सो जाएगा, फिर इनपुट वाला क्या करेगा उसको रीड कर लेगा, फिर दूसरा जैसे ही वो उसका टाइम खत्म होगा फिर ये जग जाएगा और फिर ये राइट करेगा ये रीड करेगा। इस तरह से राइट रीड दोनों ऑपरेशन पैरेलल ही चलेगा, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। यहाँ पे थ्रेड का यूज करके पाइप इनपुट स्ट्रीम और पाइप आउटपुट स्ट्रीम का यहाँ हम लोगों ने कोड को समझा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, और रन कराने के लिए हम लोग को चलना होगा प्रैक्टिकल क्लास। और इस बीच अगर आप हमारे नए यूजर हैं, पहली बार हमारे चैनल और वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे कि जावा की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो के अंत में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट आपका हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और शेयर कीजिएगा अंत में वीडियो को अगर आपको लगेगा कि वीडियो शेयर करने लायक है। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं और प्रोग्राम रन करते हैं पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम और पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास का। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। चलिए हम लोग यहाँ पर नोटपैड का फाइल ओपन है, इसको सेव कर लेते हैं। अभी फाइल सेव नहीं है, सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर डेमो जावा SRC इनपुट आउटपुट फोल्डर है। अब यहाँ पे पाइप्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट जावा के नाम से सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ इंपोर्ट करते हैं java.io पैकेज को, क्लास पी आउटपुट इंप्लीमेंट्स रनेबल बनाना है तो इंप्लीमेंट्स करना होगा, थ्रेड बनाने के लिए रनेबल को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इसके अंदर दो काम करना है, एक तो
टाइप्ड स्ट्रीम का वेरिएबल लेना है जिसको कंस्ट्रक्टर से लेना है ना। एक ऑब्जेक्ट लेना है पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम का और उस ऑब्जेक्ट को डाल देना है क्लास के वेरिएबल में। दोनों का नाम सेम है तो दिस लगा के आप डाल सकते हैं पी आउट इक्वल्स टू पी आउट। दूसरा काम करना है रन मेथड को ओवरराइड करना है तो पब्लिक वॉइड रन है ना। इसके अंदर हम लोगों को है फॉर आई इक्वल्स टू 65 लेस देन इक्वल्स टू 91 के अंदर ट्राई के अंदर राइट करना है पी आउट डॉट राइट और उसके बाद क्या करना है थ्रेड को सुला देना है। थ्रेड राइट करने का थ्रेड डॉट स्लिप फॉर 1000 या 100 भी रख सकते हैं। 1000 मिली सेकेंड ही रखिए थोड़ा स्पीड स्लो हो जाएगा 1000 मिली सेकेंड में। उसके बाद कैच ठीक है ये काम हो गया पी आउटपुट का। अब ठीक ऐसा ही कुछ काम करना है पी इनपुट के लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं सेम कोड को और यहाँ पे पी इनपुट केवल आउटपुट की जगह पी इनपुट डालना है। एनेबल होगा यहाँ पे पाइप्ड आउटपुट की जगह पे इनपुट पाइप्ड इनपुट यहाँ पे नाम बदल लीजिए यहाँ पे कर दीजिए पी इन अभी थ्रेड है तो रन होगा तो यहाँ पर रीड करना है ठीक है। तो रीड करने के लिए हम लोगों ने जो कोडिंग किया था उसमें था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करना था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों को टाइपकास्ट करना था कैरेक्टर में रीड करना था पी इन से डॉट रीड जो भी इंटीजर आएगा रीड करने के बाद ये सारे काम ट्राई के अंदर करने हैं। ये जो भी रीड करके देगा उसको कैरेक्टर में टाइपकास्ट करना है और कैच लगाएं ट्राई का मतलब कि यहाँ पे लूप बंद हो गया यहाँ पे रन बंद हो गया यहाँ पे क्लास बंद हो गया। अब एक क्लास बनाना है हम लोग को जिसके अंदर मेन रहेगा। क्लास का नाम रखेंगे पी रन ठीक है। इसके अंदर रखेंगे मेन पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे लगेगा यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था थ्रोज आयो एक्सेप्शन किया था जिससे कि आपको ट्राई और कैच लगाने की जरूरत न पड़े। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि पाइप
का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाना है इसके बाद पी आउटपुट और पी इनपुट ये दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। कंस्ट्रक्टर में याद रखिएगा पी आउटपुट के कंस्ट्रक्टर में ये वाला फाइल आउटपुट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास करना है और इसके कंस्ट्रक्टर में पी इनपुट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास करना है। सबसे पहले बनाते हैं पी आउटपुट, फिर बाद में दोनों को थ्रेड बनाना है, ये भी याद रखिएगा। आउटपुट थ्रेड बनाना है, थ्रेड वन इवन न्यू थ्रेड दोनों को स्टार्ट कर दें। डॉट स्टार्ट दोनों थ्रेड स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये आपका मेन ये पूरा प्रोग्राम तैयार, सेव कर लीजिए इसको। आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा। दो क्लास तीन क्लास बनाए हैं, एक आउटपुट के लिए और एक इनपुट के लिए, और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग छोड़ रहे हैं। सारा चीज़ तो सही है, एक चीज़ हम लोग छोड़ रहे हैं कि पी आउट और पी इन जो स्ट्रिंग है इसको हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, यही मेन है, ठीक है। तो पी आउट से कनेक्ट कर रहे हैं पी इन को, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं अगर कीजिएगा तो जो काम हम लोग को करना है वो काम नहीं हो पाएगा। टू स्ट्रिंग्स आर स्ट्रिंग क्या हो गई, ये केवल पाइप में ऐसा हो सकता है, इसके अलावा और किसी में नहीं होगा। इस तरह से ये कनेक्ट, टू स्ट्रीम्स आर कनेक्टेड, लाइन अगर आप भूल जाते हैं तो आपका काम नहीं होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। इनपुट आउटपुट जावा पी पी आई कुड नॉट फाइंड मीन, अच्छा जावा सी लिखना है तो जावा सी ही लिखेंगे, जावा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एरर आ रहा है, इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन पी आउटपुट। चलिए यहाँ देख लेते हैं पी आउटपुट कहाँ है, ये देखिए पी इनपुट होना चाहिए यहाँ पे, टेस्ट किए थे तो यहाँ पे इनपुट छूट गया था, है ना। कंस्ट्रक्टर बनाना है, यहाँ क्या है जी, इनपुट हो गया और इंटरप्टेड एक्सेप्शन मस्ट कॉट, ओके। यहाँ पे सबसे पहले इनपुट कहाँ है वो देख लीजिए,
इनपुट यहाँ पे आयो के जगह पे सीधा एक्सेप्शन देने दीजिए, वो हर तरह के एक्सेप्शन को कैच कर लेता है, यहाँ तो चलेगा। इनपुट की जगह पे इनपुट हो गया था, सेव कीजिए। अब इसका आउटपुट देखिए, ईरन के अंदर मेन है, थाउजेंड मिली सेकेंड है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप इसको 100 पे कर देंगे तो थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन हम देख रहे हैं रुक रुक क्या आ रहा है, मतलब एक बार राइट हो रहा है, एक बार रीड हो रहा है, एक बार राइट हो रहा है, एक बार रीड हो रहा है, दोनों थ्रेड है, थ्रेड के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा, 1000 मिलीसेकंड कर देंगे तो थोड़ा स्लो होगा। तो पाइप्ड का काम ये है, अगर मान लो इसको हम कनेक्ट नहीं करते हैं, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ तो क्या होगा, नहीं हुआ क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा नहीं। तो आप इनपुट डाल रहे हैं इस स्ट्रीम में, आउटपुट निकाल रहे हैं इस स्ट्रीम से, तो उसको कनेक्ट होना जरूरी है। और स्पीड अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो 1000 मिलीसेकंड कर दीजिए। वो धीरे धीरे अपना हो रहा है, ये जेड तक जाएगा, है ना। तो ये थ्रेड की मदद से मैंने आपको फाइव इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को कोशिश की है समझाने का, थोड़ा टाइम भी लगा है क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा है। तो आई थिंक आप पूरा वीडियो देखने के बाद इस बात को समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे यूज करना है फाइव इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, क्या होता है, क्या यूज है, और ये कनेक्शन वाला जो मेथड है वो आप भूलिएगा मत। और थ्रेड से जानबूझ के मैंने आपको बताया है जिससे कि आपको समझ में आए, अगर एक साथ पूरा राइट करके फिर दूसरा रीड कर लेना हो तो अदर स्ट्रीम से भी हम लोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक करके राइट कर रहे हैं, एक एक करके रीड कर रहे हैं, यानी यहाँ राइट हुआ यहाँ से रीड हुआ, यहाँ राइट हुआ यहाँ रीड हुआ, यहाँ राइट हुआ यहाँ रीड हुआ। तो ये पूरी कहानी है। आई थिंक आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कर लीजिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू।